इसी बार जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलभूषण यहाँ पर जुड़ गए हैं। कुलभूषण, क्या कुछ फिलहाल वहां पर हो रहा है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। देश का ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाया गया है, जहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों को मिलेंगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट की तर्ज पर जो है ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात देश और मध्य प्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं। उज्जैन इंदौर एवं इंदौर उज्जैन मेमू ट्रेन का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये मंच की आप तस्वीर देख सकते हैं कि मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मध्यप्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई पटेल वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो इस मंच पर मौजूद रहेंगे। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन ये बनाया गया है। इसके साथ ही इस रेलवे स्टेशन की अगर खासियत की बात की जाए तो देश का ये पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होगा। हालांकि इसके पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब इसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ी सौगात जो है केंद्र और राज्य सरकार ने दी है। आज से इस रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो कमलापति के नाम से हम इस रेलवे स्टेशन को जानेंगे पहचानेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो लंबे समय से जो है इस रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की कवायद थी और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और केंद्र सरकार ने जो है इसे स्वीकृति दी और अब इस रेलवे स्टेशन को जो है कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। जम्बूरी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हबीबगंज रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुके हैं और लगभग तैयारी जो है वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही मिनट बाद कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हबीबगंज कमलापति रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद मंच पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर बताया जाए कि वर्ल्ड क्लास होगा, तो क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली हैं तमाम यात्रियों के लिए? और इस रेलवे स्टेशन से कमलापति की बात करें तो जो ट्रेन होगी कहाँ कहाँ उनका जो डेस्टिनेशन होगा कहाँ कहाँ पर हो जाएंगी, ताकि जो तमाम यात्री इस स्टेशन से जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं, तो उसकी जानकारी भी थोड़ा सा दे दीजिए। क्योंकि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के माध्यम से प्लेटफॉर्म नंबर एक को पूरी तरीके से बंद किया गया है और एसपीजी की सुरक्षा में ये पूरा रेलवे स्टेशन है। हालांकि जो 2 से 3, 4, 5 प्लेटफॉर्म है वो यात्रियों के लिए आज ओपन है, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड क्लास जो रेलवे स्टेशन बनाया गया है बंसल ग्रुप की तरफ से, इसका निरीक्षण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और एयरपोर्ट की तर्ज पे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो ट्रेन से जो यात्री सफर करते हैं कहीं ना कहीं उनके एक मन में इच्छा होती है कि कब वो एयरपोर्ट पहुंचे और वहाँ देखे कि किस प्रकार से जो है यात्री एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो उसी की तर्ज पर जो है ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पे यात्रियों को के रुकने की व्यवस्था भी अलग अलग की गई है, वीआईपी वीवीआईपी। इसके साथ ही इस रेलवे स्टेशन में मॉल होटल्स दुकानें रेस्टोरेंट ऐसे तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पे सुविधाएं जो है यात्रियों को दी गई है। इसके साथ ही जो पार्किंग की बात की जाए तो अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं या बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए तमाम गाड़ियों की सुविधा दी गई है। तो यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। हालांकि अभी जो है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, यहाँ निरीक्षण करेंगे और उसके बाद कमलापति वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल, और कुलभूषण यहाँ पर ये भी सुन में आ रहा है कि यहाँ पर 46,000 यात्रियों के रहने की भी सुविधा यहाँ पर है, तो कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास में बन रहा है और ये पहला ऐसा स्टेशन है जहाँ पर इतनी ज्यादा कैपेसिटी में जो यात्री हैं वो ठहर सकते हैं। बिल्कुल, यात्री प्रतीक्षालय के साथ साथ यहाँ पे इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में होटल्स वगैरह भी रहेंगे, वीवीआईपी वीआईपी
के रुकने की व्यवस्था, इसके साथ ही जो मिडिल क्लास है उनके लिए तकरीबन यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है नॉन एसी और एसी की सुविधा भी दी गई है यात्री प्रतीक्षालयों में। और यहाँ पर तकरीबन 46,000 से अधिक जो यात्री हैं वो अगर असुविधा के कारण कभी ट्रेन लेट हो जाती है तो उसकी वजह से उनको इंतजार करना पड़ता है, तो यात्री प्रतीक्षालय में वो आराम कर सकते हैं और ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम सुविधा जो है यहाँ पे दी गई है। इसके साथ ही अगर यात्रियों की बात की जाए तो लगेज ज़्यादा रहता है या उनको असुविधा होती है प्लेटफॉर्म में जाने के लिए, तो ऐसी तमाम सुविधाएँ जो है यहाँ पे रेलवे की तरफ से यात्रियों को दी गई है। बिल्कुल, और वहाँ पर और भी जो स्थानीय लोग हैं ये रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के लिए पीएम मोदी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो इतनी बड़ी सौगात वहाँ के लोगों को मिलने वाली है, तो इसको लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ रवैया रहा, क्या प्रतिक्रिया उनकी रही, कितने खुश नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी फिलहाल यहाँ पे जो है यात्रियों से कह सकते हैं कि अभी यात्रियों के लिए ये पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 1 बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनट में मंच में मौजूद होंगे और उनके साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री मौजूद रहेंगे। जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो यहाँ पे काफिले के साथ कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट में कह सकते हैं कि पहुँचने वाले हैं, और सबसे पहले वो पूरे रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद वो मंच में जो एक बड़ी सौगात जो है मध्य प्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं, मेमू जो ट्रेन है उज्जैन से इंदौर और इंदौर से उज्जैन, उसका शुभारंभ यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और आज से जो है इस स्टेशन को कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। वर्ल्ड क्लास ये रेलवे स्टेशन है जो कि देश और प्रदेश में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन कहलाएगा। बिल्कुल, अगर इसमें बजट की बात करें तो कितनी की तादाद में बजट कितना इसमें लगा है, कितने करोड़ों की संख्या में लग के जो यहाँ पे बजट है वो इसमें लगाया गया है, और साथ ही साथ फैसिलिटीज आपने यहाँ पर बताई हैं, तो बिल्कुल जिस तरह से एयरपोर्ट पर फैसिलिटीज मिलती हैं उसी तरह से सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है लोग भी यहाँ पर खुश होंगे। और बजट की बात करें तो वो क्या कुछ रहा? बिल्कुल, अगर यहाँ पे बजट की बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पे 4500 करोड़ से अधिक का जो है बजट का प्रावधान रखा गया था, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे बजट के अनुसार जो यात्रियों को तमाम तरह की सुविधा तो दी जा रही है, लेकिन रेल प्लेटफॉर्म और पार्किंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पार्किंग का जो किराया है, भाड़ा है, वो भी सबसे अधिक है। लेकिन इसके बाद जो है लगातार महंगाई के चलते ये विरोध इसका शुरू हो चुका था, जिसके बाद रेलवे विभाग ने ये फैसला लिया था, और फैसले के बाद जो है प्लेटफॉर्म टिकट और पार्किंग का जो टिकट है वो कम किया गया था। आप ये LED स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे स्टेशन में पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो मेमू ट्रेन है उसका शुभारंभ करेंगे, उसके बाद अलग अलग तस्वीर में यहाँ दिखाया गया है कि जो रेलवे के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मंच की अलग तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन पहुंचेंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं किराए की, तो किराया क्या कुछ है, यहाँ से जो ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी, उसका किराया कितना होगा, इसकी भी जानकारी थोड़ा सा दर्शकों को दीजिए, ताकि जो भी वहां से अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं तो वो भी समझ सकें कि क्या उनकी पॉकेट यहाँ पर अलाउ करती है, या सिर्फ ये वर्ल्ड क्लास जो एक स्टेशन बनाया जा रहा है सिर्फ VIP लोगों के लिए होगा क्या? नहीं, देखिए ये रेलवे विभाग के द्वारा जो टिकट नॉर्मल होती है वही टिकट ट्रेनों की रहेंगी। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन ये बनाया गया है, विकास के साथ मध्य प्रदेश जो है कदम से कदम मिलाता हुआ चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो यात्रियों को दी जाएंगी। जो टिकट का फॉर्मूला है, जो टिकट है नॉर्मल टिकट जो है वही टिकट जो है यात्रियों को मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार के टिकट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। वहां पर तमाम लोग मौजूद हम देख सकते हैं आपके आसपास, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जाने की ये स्टेशन यहाँ का लोकार्पण जो पीएम करने वाले हैं तो इसको लेकर कितना खुश हैं वो, और तमाम जो फैसिलिटीज यहाँ पर दी गई हैं तो ये कहीं ना कहीं पहला विश्व स्तरीय एक रेलवे स्टेशन यहाँ पर बन रहा है जो कि काफी ज्यादा लोगों को सहूलियत देने वाला है, तो इसको लेकर उनकी क्या कुछ राय है? अभी मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि रेलवे स्टेशन को SPG ने अपने कंट्रोल में लिया है और यहाँ पे आम व्यक्ति को रेलवे स्टेशन में आने की परमिशन नहीं दी गई है, अभी SPG के अंडर में है। यहाँ पे तमाम रेल के अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर
मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है अब से कुछ ही मिनट में पहुंचने वाला है और एक बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल भूषण, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा अपडेट हमें देने के लिए। तो फिलहाल